Hello everyone, welcome to Manowar Educations. So this session is about MAH BEd 2024. So exam is very near and we have already discussed the general knowledge set 1. So now this is the set 2 of general knowledge, and this set includes the most expected questions from the general knowledge. आपको जो general knowledge से जो है 30 important question, जैसे pattern होते हैं paper का, वैसे ही question जो है आपको जो है important question, expected questions यहाँ पर include किया गया है. और साथ साथ जो है we have also included the previous year questions जो है इसमें included है. So this is very very important session for your examination. आप इसको पूरी तरह से revision करके जाएं, यहाँ से आपको question देखने को मिलेगा examinations में. और जो है आप जो है से अगर मुंबई में रिसाइड करते हैं, आप अगर सिस्टमेटिक जो है स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर बीएड एग्जामिनेशन एंड फॉर अदर एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो आप जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर सकते हैं. इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई और महाराष्ट्र, यू कैन विजिट अवर ऑफलाइन सेंटर वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी और पुणे, दैट इज़ कमिंग सून. एंड इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड द महाराष्ट्र, अब बाहर रहते हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो आप जो है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे ऑनलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वो पूरी तरह से आपको गाइड कर देंगे. सो दिस इज़, आप सिस्टमेटिक जो है सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, सो यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज. सो इफ़ यू इनरोल इन आवर कोर्सेज, व्हाट विल यू गेट? तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वीडियो लेक्चर जो है क्वालिफाइड टीचर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा. मॉक टेस्ट, बुक्स, हैंड आउट्स विल बी प्रोवाइडेड, मेंटरशिप्स, आपको हमेशा जो है आपके डाउट वगैरह कुछ भी हो तो वन टू वन मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा. स्ट्रैटजीज एंड मेनी मोर्स आर प्रोवाइडेड इन दिस कोर्सेज. सो दीज आर द आवर सोशल मीडिया साइट. अगर आप हमारे सोशल मीडिया साइट पे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा. जुड़ना नहीं चाहते आप, इस पर जरूर जुड़िए, क्योंकि डेली अपडेट जो है यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर आवर सोशल मीडिया साइट ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक. सो यू कैन ज्वाइन आवर सोशल मीडिया साइट, और वहाँ पर जो है आपको डेली इन्फॉर्मेशन, डेली नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहेगी. तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. और जो है अभी जो वीडियो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो लेट्स मूव एंड स्टार्ट दिस सेशन. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेगा, वहाँ से आप जो है साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर जो है वेरियस कोर्सेज आप सर्च कर सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए. सो और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे आपको क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली के लोगों को कौन से मेटल के बारे में पता नहीं था, किस मेटल के बारे में जो है इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, आयरन. सो एंड द करेक्ट आंसर इज आयरन. सो इंडस वैली पीपल डज नॉट नो अबाउट द आयरन. आयरन वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 1000 BC एंड दैट वॉज आर्यन जो है उन्होंने आयरन डिस्कवर किया था. तो इंडस के लोग बाकी सारे मेटल जानते थे, बट दे डिड नॉट नो अबाउट द आयरन. सो एंड द फर्स्ट मेटल यूज बाई ह्यूमन बींग वॉज कॉपर. तो सबसे पहला मेटल ह्यूमन बींग ने अगर यूज किया है तो वो था कॉपर. सो दैट आयरन वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल. Now move on to next question. Mahavira attained Kevalya at the age of 42 on the bank of which of the following river? So Mahavira को जो है केवलिया यानी complete knowledge कहाँ पे attained हुआ था? Rijupalika, Sadanira, Yamuna, Ganga. And the correct answer is Rijupalika. So at the age of 42, Mahavira attended Kevalya under salt tree on the bank of the river Rijupalika near Jambigram in Bihar. So Mahavira left home at the age of 30 years. 30 साल की उम्र में वो घर को छोड़ दिया था उन्होंने, और इनको केवलिया मिला. केवलिया इज कम्प्लीट नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, अंडर साल्ट ट्री. तो ये आपको याद रहना चाहिए. और वही महावीर स्वामी वाज द 24th तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म. 24 तीर्थंकारा थे. और पहले तीर्थंकारा की अगर बात की जाए कि हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ दिस जैनिज्म, सो ऋषभदेव जो है वो पहले तीर्थंकारा थे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मैं देता रहूँगा, तो आप जो है उसको, ये जो है इसको भी अच्छे से जो है सुनते रहिए, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टंका एंड जीतल कॉइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश वेर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रेस्पेक्टिवली. सो टंका और जीतल जो है वो किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था? दैट वॉज द क्वाइन. और ये किससे बना हुआ था? दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई इल्तुतमिश. द फर्स्ट पॉइंट इज इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस दिस क्वाइन दैट इज टंका एंड जीतल, एंड इट इज मेड अप ऑफ, वो किस मेटल से बना था? सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर एंड आयरन. And the correct answer is silver and copper. So this Iltutmish was the ruler of Seleuc dynasty, second ruler of Seleuc dynasty. And this Seleuc dynasty was founded by Qutbuddin Aibak.
तो इसको किसने जो है स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया था आपको अराउंड 1206 में इस्टेब्लिश किया था। आफ्टर दैट इल्तुतमिश बिकेम द रूलर एंड ही इंट्रोड्यूस टू क्वाइन दैट इज टंका एंड जीतल, दैट इज मेड अप ऑफ, टंका इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड जीतल इज मेड अप ऑफ कॉपर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो है वो बनवाया था, कुतुब मीनार वॉज मेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन शिवाजीज काउंसिल, तो शिवाजी के काउंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सा होता था, दाबीर, पेशवा, मजूमदार, न्यायाधीश, एंड द करेक्ट आंसर इज पेशवा। सो अष्ट प्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ एट मिनिस्टर दैट एडमिनिस्टर्ड द मराठा एम्पायर, तो अष्ट प्रधान जो था शिवाजी की काउंसिल थी एंड इन दैट पेशवा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। एंड शिवाजी की बात करें, ही वॉज बॉर्न ऑन 19 फरवरी इन 1630 में जो है उनका जो है बर्थ हुआ था एंड हिज क्रोनेशन टेक्स प्लेस ऑन 1674 शिवनेर में जो है इनका बर्थ हुआ था। और ये जो है कॉरोनेशन जो है वो छत्रपति जो टाइटल उन्होंने लिया दैट वाज इन 1674 एंड शिवाजी वाज डाइड इन 1680, तो 1680 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद पेशवा ही मोस्टली रूल कर रहे थे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, सो ब्लू वाटर पॉलिसी दैट इज ऑल्सो नोन एज काटा सिस्टम टू कंसोलिडेट द नेवी पावर, नेवी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए नेवी को, ये पॉलिसी जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज गवर्नर का, और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज, मार्टिन अल्फोंसो द सूजा, नीनो द कुन्हा, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा एंड अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस्को दे अल्मीदा। सो फ्रांसिस्को दे अल्मीदा वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज एंड ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्टस सिस्टम। अगर यूरोपियन की बात किया जाए, विच यूरोपियन केम फर्स्ट इन इंडिया, दैट वॉज पुर्तगीज, वास्को डिगामा जो है वो सबसे पहले इंडिया आए थे, दैट वॉज इन 1498 एंड ही रीच्ड कालीकट, वो कालीकट पे आए थे और उस वक्त कालीकट के रूलर कौन थे, दैट वॉज जमोरिन वॉज द रूलर ऑफ कालीकट। एंड आफ्टर दैट पुर्तगीज स्टार्टेड टू सेंड देयर गवर्नर एंड दिस फ्रांसिस्को दे अल्मेदा वॉज द फर्स्ट गवर्नर, अल्बुकर्क वॉज द सेकेंड गवर्नर एंड ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, इनको रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज पावर का, एंड ही कैप्चर्ड गोवा, गोवा फ्रॉम बीजापुर के जो सुल्तान थे दैट इज आदिल शाह, सो उनसे इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था इन 1510। एंड नीनो दे कुन्हा, ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा, ये जो है गवर्नर थे, इन्होंने कोचिन से गोवा को कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज एंड द अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय द, तो सैलरी और अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट के जो एमपी हैं उनका कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। सो आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा बी इंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेस बाय द पार्लियामेंट्री लॉ। सो पार्लियामेंट का जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर जो है मेंशन है, दैट इज इन आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा। पार्लियामेंट के पार्ट कौन होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी पार्ट्स, व्हाट आर, विच आर द पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, सो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू हूम ही हैज टू एड्रेस हिज रिजिग्नेशन लेटर, तो प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहें तो वो किसको रिजिग्नेशन देंगे, इट इज द हाइएस्ट पोस्ट, हाइएस्ट प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो हाइएस्ट पोस्ट है इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा, एंड द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन ही विल रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस वर्सा, वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर उनको रिजाइन करना होगा देन ही विल रिजाइन टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो है आर्टिकल मेंशन है दैट इज आर्टिकल 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर वक्त जो है प्रेसिडेंट होंगे इंडिया में, एंड हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है वोट कौन करते हैं, सो दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स, सबसे पहले तो दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली एमएलए एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो यहां के मेंबर जो है वोट करते हैं, प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है एंड दैट इज नोन एज इंपीचमेंट दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Now move on to next question. Which of the following non-members of the parliament has right to address it? तो वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, ऐसे कौन से मेंबर हैं? सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन एड्रेस द पार्लियामेंट डिस्पाइट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. वो मेंबर नहीं भी होते हैं फिर भी वो एड्रेस कर सकते हैं. अटर्नी जनरल मेंशन कहां है? दैट इज आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस वगैरह होता है यही लड़ते हैं. एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसको हटा भी सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम. सो फर्स्ट स्टेट कौन है जिसने पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब. एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. सो ऑन 2nd अक्टूबर नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन 1959 इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम. एंड आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश जो है वो स्टार्ट, लेकिन फर्स्ट जो है आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले अडॉप्ट इसने किया था राजस्थान ने, लेकिन स्टार्ट कर दिया था आंध्र प्रदेश ने. पंचायती राज की बात करें दैट वाज बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है ये आपको बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है पंचायत को. एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 24th अप्रैल 1993. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 24th अप्रैल एज द पंचायती राज डे. विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट. रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्स. सो मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रेडिश अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है इसको रेड प्लैनेट कहते हैं. टोटल कितने प्लैनेट हैं? दैट इज 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. बिगेस्ट प्लैनेट कौन है? दैट इज जुपिटर. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पाक स्ट्रेट इज अ नैरो चैनल ऑफ सी बिटवीन. तो पाक स्ट्रेट किस किस देश के किस किस कंट्री के बीच में प्रेजेंट है? दैट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया एंड श्रीलंका, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इजिप्ट एंड इराक. एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका. सो पाक स्ट्रेट इज प्लेस्ड बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड ऑफ द श्रीलंका. तो इंडिया और श्रीलंका अगर यहाँ पर मैप देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट है और दैट इज नोन एज पाक स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होता है? विच सेपरेट टू बिग लैंड मास एंड ज्वाइन टू बिग वाटर बॉडी, दैट इज स्ट्रेट. एंड स्थमस जो होता है स्थमस, दैट इज अपोजिट ऑफ स्ट्रेट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडियन एग्रीकल्चर द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर नवंबर इज कॉल्ड. सो इंडिया के एग्रीकल्चर के पीरियड में जुलाई अक्टूबर नवंबर का पीरियड जो है वो क्या कहलाता है? रावी सीजन, प्री खरीफ सीजन, खरीफ सीजन, स्लैक सीजन. एंड द करेक्ट आंसर इज खरीफ सीजन. सो जुलाई टू अक्टूबर दैट इज नोन एज विंटर, सॉरी द जुलाई टू अक्टूबर दैट इज नोन एज खरीफ सीजन. एंड राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द खरीफ सीजन. उसके बाद जो विंटर सीजन होता है इसके कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए. उसके बाद जो सीजन होता है दैट इज रावी सीजन. एंड वीट जो है इसमें कल्टिवेट ज़्यादा किया जाता है. वीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस रावी सीजन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द विलाई स्टील प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश विद द असिस्टेंस ऑफ. द विलाई स्टील प्लांट जो है वो किसके हेल्प से एस्टैब्लिश किया गया था? रशिया, US, UK, जर्मनी. एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया. सो विलाई स्टील प्लांट दैट इज इन छत्तीसगढ़ एंड दैट वॉज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ USSR इन 1955 में जो है आपको इस्टेब्लिश किया गया था. एंड दैट वॉज द विद द हेल्प ऑफ USSR. अभी जो रशिया है उसी की हेल्प से ये स्टार्ट किया गया था. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वाट इज द पर्पज ऑफ पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर इन टैक्सेशन. तो पैन का जो है आपको क्या यूज है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, टैक्स इवेजन, प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल ऑफ द एबव. एंड द करेक्ट आंसर इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. सो पैन इज अ यूनिक 10-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर जो है और ये जो है आपको टैक्स रिटर्न वगैरह करने में हेल्प करता है. तो दैट इज द फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख, बिनेगल रामा राव, ऑसबॉर्न स्मिथ, जेम्स ब्रेड टेलर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑसबॉर्न स्मिथ. सो दिस ऑसबॉर्न स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 ऑन 1st अप्रैल 1935 को जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था. और सी डी देशमुख जो थे ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड RBI वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949. एंड करंट गवर्नर कौन है? दैट इज शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास जो है वो करंट गवर्नर है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एवोल्यूशन वॉज गिवन इन विच ईयर प्लान. तो पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये जो है स्लोगन किस इसमें फाइव ईयर प्लान में दिया गया था? 4th फाइव ईयर प्लान, 5th फाइव ईयर प्लान, 2nd फाइव ईयर प्लान, 6th फाइव ईयर प्लान.
And the correct answer is the fifth five-year plan. So this was given by Indira Gandhi government, and the fifth five-year plan का tenure कब से कब था? 1974 to 1979. That is गरीबी हटाओ. Planning Commission was established in 1950. 15th March 1950 को established हुआ था, and the first five-year plan was between 1951 to 56. The chairman of the Planning Commission was always the Prime Minister. Now move on to next question. Awadh Commercial Bank was founded in. तो Awadh Commercial Bank जो है कब बना था? 1913, 1917, 1894, 1881. तो Awadh Commercial Bank जो बना था वो बना था 1881. And this was the first bank established by Indian. तो Indian ने सबसे पहला bank जो है establish किया था, that is Awadh Commercial Bank. इससे पहले सबसे पहले जो bank establish हुआ था India में, that was Hindustan Bank in 1770. So 1770 में सबसे पहला bank जो है वो establish हुआ था, that is Hindustan Bank. Now move on to next question. Who invented the electric bulb? तो electric bulb आप जो आज घर में देखते हैं वो किसने invent किया था? Thomas More, James Watt, Thomas Alva Edison, none of these. And the correct answer is Thomas Alva Edison. So Thomas Alva Edison जो है इन्होंने electric bulb जो है वो invent किया था. So that is important invention. से भी question आपको आते हैं, ये science का part है. Now move on to next question. Which instrument used for measuring humidity of the atmosphere? So atmosphere की humidity को measure कौन करता है? Hygrometer, barometer, thermometer, anemometer. And the correct answer is hygrometer. So humidity is measured by hygrometer. और यहीं पे अगर hydrometer होता, hydrometer, so that measure density of liquid. ये density of liquid के लिए use होता है barometer, that is for pressure, thermometer for temperature, and anemometer is the direction of the wind. Now move on to next question. Which of the following is a chemical change? So there are two types of change, chemical and physical. तो ये इसमें से chemical change का example कौन है? Melting of ice, boiling water, burning paper, dissolving salt in water. And the correct answer is burning of paper. So that is chemical change which cannot be reversed. उसको दोबारा हम change नहीं कर सकते हैं. So that is chemical change. उसके properties में change हो जाता है. So burning of paper is an example of chemical change. Now move on to next question. What is the primary use of titanium? तो titanium metal किसके लिए use होता है? This is very very important metal. Construction, aerospace industry, electric wiring and jewelry. And the correct answer is aerospace industry. So titanium high strength to weight ratio makes it ideal for aerospace application. तो ये aerospace application के लिए जो है आपको use होता है. So इसी तरह से आपको लगातार जो है जब एक क्लास होता है तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ाने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर सेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे चेक कर सकते हैं. और अगर आप यहाँ रिसाइड कर रहे हो मुंबई में तो आप विजिट कर लीजिए और वहाँ पे आपको काउंसिल कर दिया जाएगा. जो सेंटर है वसई में, आपको बोरीवली में, अंधेरी में, आप कहीं भी विजिट कर सकते हो या ऑनलाइन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. और आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. या कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प किया जाएगा. Now move on to next question. Which branch of biology is concerned with the study of tissues and their organization into organs? So tissue के जो है study को क्या कहते हैं? Histology, cytology, anatomy, botany. And the correct answer is histology. So study of tissue, tissue क्या है? Group of cell. Group of cell is known as tissue. And cell is what? Cell is the basic unit of life. And group or a study of cell is known as साइटोलॉजी. तो सेल के पढ़ाई को, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. और टिश्यू के स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी. सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? तो बोन की हेल्थ के लिए कौन मिनरल बहुत एसेंशियल है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम. एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. सो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन. कैल्शियम फॉस्फेट जो है आप बोन में सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाता है बोन में? दैट इज कैल्शियम. Now move on to next question. Which organization focuses on public, global public health? तो public health पे कौन focus करता है? UNICEF, WHO, IMF, NATO. And the correct answer is WHO. So WHO, World Health Organization, that was established on 7th April 1948. और इसीलिए 7th April को World Health Day हम लोग celebrate करते हैं. And the headquarter of WHO is in Geneva, Switzerland में headquarter है. Tedros Adhanom जो है अभी इसके director general है. Now move on to next question. Which organization is responsible for coordinating international effort to combat cyber crime? तो cyber crime को जो है combat करने के लिए कौन सा जो है organization जो है responsible है? Interpol, Europol, ITU, UNODC. And the correct answer is Interpol. So International Criminal Police Organization, commonly known as Interpol, is responsible for to combat cyber crime. And this was established on 7th September 1923. इसका headquarter कहाँ है? तो Lyon, France. सो लायन फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
हु आर द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज. तो नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको दिया गया था? सो दैट मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, मार्गरेट थेचर, रोसा पार्क्स. एंड द करेक्ट आंसर इज मैरी क्यूरी. सो मैरी क्यूरी बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था. नोबेल प्राइज किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज अल्फ्रेड नोबेल ऑन हिज नेम. नोबेल जो है उन्होंने, एंड ही डिस्कवर्ड डायनामाइट. पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन हैज वॉन द 2023 रेमन मैक्सेसे अवार्ड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो 2023 का जो है रेमन मैक्सेसे अवार्ड किस इंडियन को दिया गया, क्योंकि इंडियन इन्वॉल्व है. रवि कानन, गौतम अडानी, गजल अलग, कैलाश विद्यार्थी. And the correct answer is Ravi Kanan. So Assam-based oncologist Ravi Kanan has been awarded one of the four winners of the Raymond Magsaysay Award. Raymond Magsaysay Award को कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज. And the first time it was given to and it was established on the name of Philippines President Raymond Magsaysay. और पहली बार जो दिया गया था that is to विनोबा भावे. Now move on to next question. Kathakali, a traditional dance drama form, is associated with which Indian state? तो कथकली किसका डांस फॉर्म है, किस स्टेट का? उड़ीसा, केरला, पंजाब, राजस्थान. सो दिस इज द क्लासिकल डांस. और ये कहाँ का है? सो दैट इज द केरला. सो यहाँ पर देख रहे हैं कथकली है, एल आ रहा है, सो दैट इज द केरला. यहीं पे सिर्फ कथक होता सो दैट इज द उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग कर जाता. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. कथकली इज ऑफ केरला. मोहिनी अट्टम इज ऑल्सो ऑफ केरला. Now moved on to next question. Which cave temple in Maharashtra is famous for its rock cut architecture and sculptures of Lord Shiva? तो महाराष्ट्र में जो है कौन सा जो रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, ये कौन सा शिवा टेम्पल है? एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, कारला केव्स, अजंता केव्स. एंड द करेक्ट आंसर इज एलिफेंटा केव्स. सो एलिफेंटा केव्स लोकेटेड नियर मुंबई फीचर्स रॉक कट स्कल्पचर्स एंड केव टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. और ये जो एलिफेंटा और एलोरा केव्स है इसको इस्टेब्लिश किया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इस्टेब्लिश दिस टेम्पल. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द काला घोरा आर्ट्स फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो काला घोरा आर्ट फेस्टिवल जो है वो आपको जो है किस इसमें जो है आपको ये मनाया जाता है, किस स्टेट का जो है सेलिब्रेट किया जाता है? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, केरल. एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई. सो द काला घोरा आर्ट फेस्टिवल इज एनुअल फेस्टिवल 9 days लॉन्ग कमेंसिंग. सो दैट इज सेलिब्रेटेड इन मुंबई. सो दीज आर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया. और फिर से हम देखते हैं, तो अगर आप जो है हमारा लाइव क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट टू इनरोल इन ऑफलाइन क्लास यू कैन विजिट हेयर बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी. और ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर द लिंक इज प्रोवाइडेड ऑफ दिस मैनुअर edu.com. जो है आप इस साइट पर यहाँ से भी जा सकते हैं. सो यू कैन विजिट अवर साइट manuvaredu.com. और यहाँ पर जो है आप जाकर माई ऑनलाइन पे करेंगे, यहाँ पर होगा बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे. सो यू कैन गेट यू विल गेट द फुल कोर्सेज अबाउट द बी एड का जो है फुल कोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएगा. तो फुल कोर्सेज जो है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फुल कोर्सेज बी एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो पैकेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दैट इज अबाउट द MH BEd CET का 2024 का पूरा प्रोग्राम. आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे जो है फुल कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, हैंड आउट 2024 में. जो है अगर 2025 का ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वॉल्व फॉर 2025 एग्जामिनेशन, सो वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, हैंड आउट एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड. यहाँ पे कोर्स फीस वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे क्या जो है. डेमो पैकेज आप लेना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, आपको इसके लिए सुटेबल है कि नहीं, डेमो पैकेज भी अवेलेबल है. तो यहाँ से जो है आप डेमो पैकेज भी ले सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. MH BEd CET का आप सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू डू सिस्टमेटिक स्टडी देन बाय दिस 2025 कोर्स जो है आपका बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको पूरी तरह से जो है बहुत डिटेल्ड स्टडी जो है कराई जाएगी और हर तरह से जो है अवेलेबल कराया जाएगा, मटेरियल्स वगैरह सब कुछ. आपको टीचर्स वन टू वन डाउट क्लियर करेंगे. यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं, यू कैन बाय द स्टडी मटेरियल. ये हेयर इज द पैकेज. सो यहाँ पर जो है दैट यू कैन बाय बीएड एंट्रेंस बुक, MH BEd CET ई बुक्स, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आप अभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ले सकते हैं. अभी 2-3 टाइम है, जितना दिन उसमें उतना मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना चेक हो जाएगा कि आप कितना जो है आपका जो है कैपेसिटी है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट जो है ये आपको टॉपिक वाइज और जो है पूरा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा.
सेक्शनल कोर्स भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, सेक्शनल कोर्स जो है अवेलेबल है, दैट इज़ फॉर बी एड जी के एंड करंट अफेयर का इंग्लिश सेक्शनल कोर्स है, लॉजिकल रीजनिंग का है एंड वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज़ ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई एनी ऑफ द कोर्सेज यू कैन इनरोल, यू कैन कॉन्टेक्ट इन अवर ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स इन द वेरियस प्लेस लाइक दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी, तो यहाँ पर जो है आप कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं और यहाँ से जो है जाकर बाई ऑनलाइन से आप किसी भी बी एड या फिर और भी कोर्सेज आप चाहते हैं किसी भी, जैसे एम बी ए का है, लॉ का है, गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, एम सी ए, टी एस नेट, जो अब सी यू ई टी है, होटल मैनेजमेंट, बी बी ए, एम बी ए, कोई भी, दैट सी मैट, सो यू कैन कॉन्टेक्ट एट अवर सेंटर्स थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यहाँ जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आप वहाँ से जाकर पूरा देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे और हमारे सोशल मीडिया साइट पे जरूर जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से आप साइट पे जा सकते हैं। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।